नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल जन्नत लैंसडाउन उत्तराखंड से। सबसे पहले तो आप सभी को नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसे कि आप सभी को पता है, नवरात्रों के दिन चल रहे हैं जो काफी शुभ माने जाते हैं। तो हमारे साथ हमारे एक क्लाइंट हैं, उनके फादर हमारे साथ आए हुए हैं भूमि पूजन करने के लिए। उनका हमें 1 BHK का स्ट्रक्चर विद लॉफ्ट रेडी करके देना है। वो किसी प्रोजेक्ट के लिए अहमदाबाद गए हुए हैं, इससे ऐसे वो खुद नहीं आ पाए, तो उनके बिहाफ पे उनके फादर आए हैं भूमि पूजन करने के लिए। तो चलिए उनसे मिलते हैं, उनका भूमि पूजन देखते हैं कैसे वो भूमि पूजन कर रहे हैं, और यहाँ पे जब वो आए हैं तो उन्हें कैसा लगा। प्लीज कम। तो जैसे कि हम आते हैं, ये उनके लिए सेपरेट एंट्रेंस है जो हमने बनाई है। अगर जैसे वो ऊपर आते हैं तो लेफ्ट साइड में मेरे एक मथुरा के क्लाइंट हैं राजेश जी, उनका स्ट्रक्चर रेडी हो रहा है, और राइट साइड में सैनी जी का स्ट्रक्चर रेडी होगा। तो चलिए ऊपर चलते हैं। तो हमारे साथ है अविनाश सैनी जी के फादर। नमस्कार सर। तो हमारा भूमि पूजन हो चुका है, और मैं सर से, सर ऑलरेडी हमारी साइट पे 3 बार विजिट कर चुके हैं। ये थर्ड विजिट करी है जी। तो पहली बार आया था, तो जब मैंने फाइनल किया था जी, प्लॉटिंग की नहीं, ये सही है जी। तो आज इसका भूमि पूजन किया गया है जी। अब पार्किंग भी है, रोड फ्रेश है जी, नीचे से एंट्रेंस जो है बेस्ट है जी। और जब आप लास्ट टाइम आए थे सर, तो आपने यहाँ पे स्टे भी किया था। मैंने नाइट स्टे किया था यहाँ पे जी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा जी। सनसेट देखा मैंने इधर जी, तो मुझे बड़ा पसंद आया, तो फिर हमने ये प्लॉटिंग यहाँ पे करी है जी। कोई खास वजह, काफ़ी सारी लैंड अवेलेबल है मेरे पास, तो आपने यही वाला पार्ट क्यों चूज़ किया आपने लिए सर? मुझे सनसेट ही नहीं देखना था जी। अच्छा, तो मुझे व्यू अच्छा लगा था जो सनफेस का मॉर्निंग। बेसिकली सर, जब ये कहना चाहते हैं जो उनका घर का स्ट्रक्चर हो वो ईस्ट फेसिंग हो, जहाँ से सनराइज होता है। और जैसे कि आपने लास्ट टाइम देखा था, हमने जस्ट कैफे का काम स्टार्ट किया था, अब ऑलमोस्ट वहाँ पे पाइपिंग का पूरा काम हो चुका है। अब धीरे धीरे हमारा स्ट्रक्चर शेप ले रहा है, और आपको मैंने जैसे बता दिया जैन फैब में हम इसको रेडी भी कर देंगे। तो जब हम आपका कॉटेज डिलीवर करेंगे, तो आप इसे कैसे देखते हैं? आप कितना टाइम स्पेंड करेंगे अपने फ्रेंड्स या फैमिली के साथ? ये मार्च के फाइनल तक सोच रहे हैं कि आ जाएं हम यहाँ पे। अच्छा, ठीक है जी। तो ताकि हमारा टाइमिंग भी वेस्ट ना हो और आपका भी ना हो जी, जिससे कि हमें अच्छा लगेगा कि कॉटेज तैयार है। ठीक है, तो मैं आप मैम के साथ, अपनी वाइफ के साथ परमानेंटली यहाँ पे शिफ्ट होना चाहते हैं, या कुछ टाइम यहाँ पे या दिल्ली में रहेंगे? मैं और मिसिज मेरी जी, हम सीनियर सिटीजन दोनों ही यहाँ शिफ्ट होना चाहते हैं। चलो ठीक है जी। जो बच्चे हैं वो दिल्ली में रहेंगे। ठीक है। ऑलरेडी अभी आप दो फैमिली से मिले, उन्होंने भी अपना भूमि पूजन किया है, वो ऑलरेडी शिफ्ट हो चुके हैं यहाँ पे। वो तो ऑलरेडी शिफ्ट हैं, पर उन्होंने अपनी आज ही भूमि पूजन किया उन्होंने जी। तो मतलब यहाँ पे एनवायरनमेंट ऐसा है कि नीचे रमन जी रह रहे हैं, ऊपर सतबीर जी हैं और जी बिल्कुल, और ये क्या नाम है उनका, योगेंद्र जी बिल्कुल, वो भी यहाँ पे रह रहे हैं। तो आने वाले टाइम में जैसे ये अपना राजेश जी आने वाले हैं, तो यहाँ पे 5 से 6 ऐसी फैमिलीज हो जाएंगी जो यहाँ पे परमानेंटली रहेंगी। तो वो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप कैसा लग रहा है आपको ये प्रोजेक्ट हमारा? मुझे बेस्ट लग रहा है। अच्छा, फैमिली जाएंगी इकट्ठे, यहाँ बैठेंगे, साफ सुथरा हो जाएगा, तो उससे बहुत फर्क पड़ जाएगा जी। जब मैं फर्स्ट चांस में आया था, जब कुछ भी नहीं था जी, बिल्कुल एक कॉटेज था मिस्टर प्रवीण सैनी जी का। अच्छा जी। उसके बाद हमने डिसाइड किया कि हमें यही जी। तो हमारे साथ ये थे अविनाश सैनी जी के फादर, इन्होंने अपना भूमि पूजन कर दिया, हम इनका स्टूडियो कॉटेज विद लॉफ्ट तैयार करेंगे, और होपफुली हम इन्हें होली तक वो डिलीवर भी कर देंगे। तो ये तो था इनका भूमि पूजन का वीडियो, और आगे जैसे इनका स्ट्रक्चर, जैसे आगे इनका स्ट्रक्चर रेडी होगा तो हम आगे भी आपको वीडियो बना के दिखाएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो मेरी अच्छी लगी, तो प्लीज़ इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को शेयर करें। थैंक यू।